तो आज की हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की। हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 पर। आप लोगों का रिवीजन चल रहा है, जिसमें शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट पर और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करता हूँ। और यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अनुसंधान या समाज कार्य शोध की प्रक्रिया की जब बात होती है। तो ऐसे में बेसिकली हम लोगों ने अभी देखा है कि सबसे पहले अनुसंधान में समस्याओं को सूत्रीकरण कैसे किया जाता है। सूत्रीकरण के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, जैसे स्टेप में मैंने आपको बताया था पीएचडी कैक करके, और उसमें आर को जोड़ा था। अगर आप लोगों को ये स्टेप मालूम हो जाएंगे तो समझो रिसर्च का आपका जो है 65% जो रिसर्च का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। पीएचडी में मतलब मैंने पी से बताया था प्रॉब्लम को लेकर। तो प्रॉब्लम क्या है, यानी समस्या को आपको क्या करना है, सूत्रीकरण करना है। ये वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का पहला चरण माना जाया है। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण कौन सा है, ध्यान रखिएगा, समस्या का सूत्रीकरण है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। और इसमें हम जब सूत्रीकरण करते हैं तो उस समय तथ्यों की खोज और समस्याओं के समाधान हेतु एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें पहले शोध में समस्या या प्रश्न की प्रकृति को हम लोग जान लेते हैं और फिर उसके समाधान के बारे में सोचते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आप समाज कार्य शोध में आप आइडेंटिफाई करेंगे, यानी समस्या की पहचान करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसी के बाद जस्ट आता है आपका साहित्य समीक्षा भी। साहित्य समीक्षा देखिए, जब समस्या समाधान आप करते हैं तो आपको कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। जैसे अनुसंधानकर्ता को एक प्रकार से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उसमें सरोकार और रुचि जैसी एक्टिविटी को ध्यान रखना चाहिए। प्रबंधनी परिणाम को ध्यान रखना चाहिए। अवधारणाओं का मापन ध्यान रखना चाहिए। विशेषज्ञता का स्तर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और जो प्रदत्त हैं उसकी उपलब्धता को भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नैतिक मुद्दे क्या क्या हैं उसको भी आपको ध्यान, एथिकल इश्यूज क्या क्या बन रहे हैं उसको भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपका बन जाता है समस्या का सूत्रीकरण। जस्ट उसी के बाद आपका आता है साहित्य समीक्षा। साहित्य समीक्षा जैसे प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस के बीच में आती है। तो साहित्य समीक्षा क्या होता है आप लोग को मालूम है, जैसे कहीं किसी के बुक, पत्रिका, सूचना या कोई साहित्य है सॉरी, तो उसके बारे में जब आप अध्ययन कर लेते हैं, शैक्षिक अनुसंधान कर लेते हैं, और उस शैक्षिक अनुसंधान पर कार्य करने से पहले शोधार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह पहले अपने विषय से संबंधित साहित्य, पत्रिका, सूचनाओं इत्यादि चीज़ों का सर्वेक्षण कर सके। तो साहित्य समीक्षा का बेसिकली उद्देश्य ये होता है कि समाज कार्य अनुसंधान में समस्या का समाधान करके शोधकर्ता का ज्ञान को बढ़ाता है। ये साहित्य समीक्षा शोधकर्ता यानी आपका ज्ञान बढ़ाता है साहित्य समीक्षा। आपको अगर हम बात करें तो समस्या पर सुचारू रूप से ध्यान केंद्रित कर पाता है आप लोगों को, और यहाँ तक कि सुधार लाने में, सेवार्थी के साथ जब आप काम करेंगे सुधार लाने में भी इसकी एक अहम भूमिका मानी जाती है साहित्य समीक्षा की, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी प्रक्रिया में साहित्य समीक्षा को तीन बातों पर आधारित या तीन बातों पर रखा गया ध्यान। जैसे अगर मैं बात करूं, नंबर एक बात ये बताएगी कि जो इसके तीन चरण थे, मौजूदा साहित्य क्या है आपके पास, इसकी बात किया गया, मौजूदा साहित्य आपके पास क्या है। और फिर उसके बाद बताया गया कि जब आपने साहित्य की खोज कर लिया, फिर आपने उसकी समीक्षा करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, समीक्षा करना शुरू कर दिया, और समीक्षा के बाद आपने सैद्धांतिक दृष्टिकोण का विकास करने लगा। तो ये तीन ऐसे चरण हमें देखने को मिल जाते हैं साहित्य में। एक आपका बनता है साहित्य की खोज करना, फिर समीक्षा करना, फिर सैद्धांतिक दृष्टिकोण को विकसित करना। साहित्य के अवलोकन का मुख्य स्रोत जो होता है वो किताबें होती है, पत्रिका होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। अब इसी साहित्य में मैं आपको अगर बताऊं तो वेरिएबल्स की भूमिका आती है, चर की भूमिका आती है इसी में। अब चर आप लोगों को मैंने कल चर्चा किया था, वेरिएबल्स हालांकि कई टाइप के होते हैं, कारण के आधार पर देखते हैं तो कई टाइप के बन जाते हैं,
अभिकल्प के आधार पर बनते हैं तो हम देखते हैं श्रेणीगत निरंतर वेरिएबल्स बन जाते हैं। मापन की इकाई के आधार पर देखते हैं तो एक आपका सक्रिय बन जाता है और एक आपका विशेषक जो है विशेषता वाला वेरिएबल्स बन जाता है। ठीक है, तो बेसिकली कारणीय वाला जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पर दो वेरिएबल्स पाए जाते हैं, एक स्वतंत्र वेरिएबल्स पाया जाता है और एक आपका आश्रित वेरिएबल्स पाया जाता है। कल मैंने बताया था कि प्रयोगकर्ता का जहां नियंत्रण होता है उसको स्वतंत्र बोला जाता है, जहां प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण ही ना हो तो उसको आश्रित बोला जाता है। मैंने कल आप लोगों से इसके बारे में पढ़ाया भी था, बताया था आप लोगों को, है कि नहीं। अब इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे अध्ययन अभिकल्प के आधार पर भी पूछा जाता है, सक्रिय विशेषता के रूप में, सक्रिय में फेर बदलाव कर सकते हो, पर्यावरण में जोड़ तोड़ कर सकते हो, और जो विशेषता वाला वेरिएबल्स होता है वो बेसिकली लिंग आयु आदि को बदला नहीं जा सकता या नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको विशेषता चर बोला जाता है जिसको बदला ना जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद मापन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो मापन बेसिकली अगर हम बात करें तो मापन के आप लोगों ने नाम सुने होंगे स्टीवंस का, जिन्होंने चार भागों में सन 1946 में मापन को बताया था। तो ये बेसिकली चरों को मापन के आधार पर भी बताया गया कि पैमाने जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पैमाने एक नॉमिनल स्केल होता है, आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ अच्छे से, जिसको संकेतिक बोला जाता है, यूजीसी में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, और एक क्रम सूचक होता है जिसको ऑर्डिनल कहा जाता है, और एक आपका अंतराल होता है जहाँ पे आप इंटरवल स्केल का नाम देते हैं आप सभी लोग, और एक आपका होता है अनुपात जिसको आप लोग जो है रेशियो का नाम देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो प्रारंभिक बिंदु होती है वो बेसिकली यूज किया जाता है अनुपात स्केल में या अनुपात मापनी में, है ना। तो स्टीवंस ने जो है सन 1946 में, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूँ, एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा थोड़ा सा, हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ, है ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपके जो है चार टाइप के यहाँ पर मिल जाएंगे, एक नामित, एक क्रमिक, एक अंतराल, एक अनुपात। अब थोड़ा थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए यहाँ पर, है ना, ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपको, केवल छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। नॉमिनल मतलब आपको अगर हम बात करें जिसको हम नामित बोलते हैं, सांकेतिक भी बोलते हैं, बेसिकली इसमें जो है इसे वर्गीकरण मापनी का नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर यह बताया गया है इसकी सांकेतिक मापनी में कि दो या तीन उपश्रेणी में मापा जाता है, ये दो या तीन उपश्रेणी में मापा जाता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको साधारण शब्द मिल जाएगा कि नामित का अंग्रेजी जो शब्द है वो नॉमिनल लैटिन का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है केवल नाम से। तो आपने जैसे नाम लगाते होंगे, जिसे सबसे पहले अल्फ़ाबेट नाम आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद ई से नाम आता है, फिर ऊ से नाम आता है, ठीक है, फिर ए से आता है, ऐ से आता है, ओ से नाम आता है, तो ये अल्फ़ाबेट क्रम का नाम है हिंदी में। पहले अगर आपने ए देखा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से आप जब यूज़ करते तो एक प्रकार की मापनी होती है इस तरीके से ऑर्डर में लगाना, तो इसको नॉमिनी स्केल बोला जाता है, ठीक है, नॉमिनी स्केल बोला जाता है। कहीं कहीं इसको जो है उप श्रेणी के रूप में डिवाइड किया गया, जैसे आप पुरुषों को आप अलग कर लीजिए, महिलाओं का आप अलग कर लीजिए, श्रेणी बना लीजिए, बच्चों का आप अलग श्रेणी बना लीजिए, मजदूर का आप अलग श्रेणी बना लीजिए, ये भी नाम आपका किसके अंतर्गत शामिल कर दिया जाएगा, नामित स्केल के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। आगे अगर हम बात करते हैं, ट्रांसजेंडर वगैरह भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं ना, ये चीज़ें नहीं केवल मेल फीमेल की बात कर रहा हूँ, बाकी सब इसमें आ जाएंगे। बात करते हैं उसके बाद आपका आता है क्रम सूचक, जिसको ऑर्डिनल स्केल आप लोग बोलते हैं बेसिकली, या मुख्य रूप से उपसमूह को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की बात करता है। अगर मैं आप लोगों से एक एग्जाम्पल से बात करूं, परीक्षा के अंकों को अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें संपूर्ण परिणात्मक रूप में कि अंकों में, और फिर प्रतिशत के रूप में, या फिर ग्रेड्स के रूप में, है ना, या आप ये कह लीजिए जब आपने नंबर वगैरह दे लिया। अब जरूरी है नहीं कि यूजीसी केवल अंक का ही प्रश्न उठाए, आप लोगों से हो सकता है फर्स्ट सेकंड का भी प्रश्न उठा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें आप रख लें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इस तरीके का पोजीशन पे रख रहे हैं आप, या अंकों के पोजीशन पे रख रहे हैं, या मैं एक सिंपल सी बात कर लूँ, आप सोशल वर्क पढ़ रहे हैं तो आप ये बात जरूर याद रखिए, सामाजिक आर्थिक स्तर पर बात करें तो सामाजिक आर्थिक स्तर पर बात करता हूँ तो आपको मिलता है एक निम्न वर्ग मिलता है, ठीक है, और फिर एक आपका मध्यम वर्ग मिलता है, फिर आपको एक उच्च वर्ग मिलता है, तो इस रूप में भी आप वर्गीकृत कर सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो ये क्रमित स्तर के रूप में जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
याद रखिएगा इसको भी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे रखा भी गया है थोड़े स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, वनीला है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से अरेंज की गई है, बताई गई है। आगे अगर हम बात करते हैं, एक इंटर जो है इंटरवल स्केल होता है जिसको आप अंतराल स्केल कहते हैं, मापनी कहते हैं, इसमें क्रम सूचक मापनी की तरह होता है ये। इसके साथ साथ माप की जो इकाई होता है उसका उपयोग किया जाता है इसमें, है ना। मैं अगर आप लोगों से बात करूं यहाँ पे, जैसे सिंपल सी बात है, अनुपात में अंतराल, सॉरी यहाँ पर अंतराल है ना कि अनुपात है, तो अंतराल में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो क्या हो सकता है अंतराल। बेसिकली अगर हम बात करें किसी शोध की प्रक्रिया में या मापन स्तर जिसके बीच की दूरी समान होती है वो अंतराल होता है। इसी शोध में वह मापन स्तर जिसमें शून्य की स्थिति क्या बोलेंगे, यथेष्ट, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि भाई यथेष्ट जो शून्य है वो किस मापन में पाया जाता है, तो आप लोग का जवाब होना चाहिए अंतराल मापनी में पाया जाता है जिसकी आपको इच्छा हो, ठीक है। तो बेसिकली यथेष्ट शून्य इसका नाम दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर हम अंतराल मापनी की बात करते, जैसे हमने एक क्रम बनाते हैं, तो एक यहाँ पे हमने 5 लिखा, यहाँ पे 10 लिखा, यहाँ पे 15 लिखा, यहाँ पे 20 लिख दिया, यहाँ पर फिर 25 लिख दिया, यहाँ पर फिर 30 लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए समान अंतर चल रहा है 5-5 का, तो ये बेसिकली क्या इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अंतराल स्तर। तो ये समान अंतर देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यथेष्ट शून्य जिसकी आपको इच्छा हो, तो अगर आपको इच्छा है तो आप यहाँ पे शून्य लगा दीजिए, शून्य से 5 कर लीजिए, 5 से 10 कर लीजिए, इसीलिए इसको बोला गया कि इसमें यथेष्ट शून्य पाया जाता है। आई थिंक मुझे लगता है कि आप शायद यहाँ पे इस चीज़ को समझ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, आपका एक आता है लास्ट वाला, और ये अनुपात मापनी होता है, ये चौथे नंबर का होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसी पर बात कर रहा हूँ, बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी, लेकिन वो किसी काम की चीज़ें नहीं हैं आप लोगों को। जो एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको उसी पर बात कर रहा हूँ। अनुपात में जब हम दो समूहों की तुलना करते हैं तो वो बेसिकली अनुपात या रेशियो स्केल के अंतर्गत हम देखते हैं। तो मैं आपसे कहूँ, पहला प्रश्न आपको अगर पूछता है कि तुलनात्मक अध्ययन किस में हम देखते हैं, कौन से मापन में, तो तुलनात्मक अध्ययन जो हो जाएगा वो आपका किस में हो जाएगा, अनुपात स्तर पर हो जाएगा। मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा माना जाता है मापन का, तो मापन का जो सबसे सर्वोच्च स्तर माना जाता है वो अनुपात को ही मापा जाता है, अनुपात स्तर को ही कहा जाता है। शोध के या शोध में मापन के किस स्तर में विश्वसनीयता और शुद्धता पाई जाती है, क्या चीज़, विश्वसनीयता। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, विश्वसनीयता और शुद्धता पाई जाती है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अनुपात स्तर पर पाया जाता है सर्वाधिक तरीके से। मैं आपको बताऊं, शोध की प्रक्रिया में वह स्तर जिसमें शून्य की स्थिति वास्तविक हो, जिसमें शून्य की स्थिति वास्तविक हो, वो किसमें पाया, अब ध्यान रखिएगा, वास्तविक शून्य एक होता है, एक यथेष्ट शून्य होता है। यथेष्ट शून्य में एक लाइन आप नोट कर लीजिएगा कि जिसकी आपको इच्छा हो वो यथेष्ट शून्य कहलाएगा। और यहाँ पे जो वास्तविक शून्य होगा वो कहाँ पर पाया जाएगा, अनुपात में पाया जाएगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान, वास्तविक शून्य अगर आप किलो में करेंगे तो जी क्या करें, जिसकी आपको इच्छा हो वो आपका अंतराल मापनी कहलाएगा, और जिसमें शून्य की स्थिति वास्तविक हो जिस शोध की प्रक्रिया के स्तर पर, वह अनुपात स्तर होगा। मैंने अगर आपसे कहूँ, यहाँ पे देख लीजिए आप सब लोग, वास्तविक शून्य का होना यहाँ पर बताया भी गया है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए वास्तविक शून्य में, तो यहाँ बताया जा रहा है कि भौतिक मापन में हमेशा, जैसे अगर मैं कहूँ मीटर में, तो आप मीटर में 2 मीटर को अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से 00 लगा सकते हैं, तो ये वास्तविक शून्य है। किलोग्राम में अगर आपको लिखना है, या ग्राम में लिखना है आपको, या किलोमीटर में लिखना है, तो आप ऐसे लिखते हैं कि भाई 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम, तो 1 kg हो जाता है ये, है ना। तो ये चीज़ आप इस तरीके से, ये वास्तविक है, इसमें थोड़ी ना फेर बदल कर सकते हैं, आपका इच्छा होगा तो लगा दोगे, आपकी इच्छा होगी तो नहीं लगाओगे, ऐसा तो होगा नहीं, समझ गए ना मेरी बात। हाँ, वही चीज़ें होती है। तो ये था एक कॉमन सी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को ही बताया। सपोज आप ध्यान रखिएगा, प्रारंभ जैसे मैं कहा कि भाई एक सिंपल सी बात है, 5 और 10 का अनुपात बताइए, तो आपके सिंपल में सीधा सीधा से आता है 5 और 10 का अनुपात, तो आप क्या करते हैं, 5 और
दस का अनुपात निकालते हैं तो आप कहेंगे 1/2, यानी आप 1:2 का नाम देंगे। क्या ये बात सही है? तो आप 5 और 10 का अनुपात इस तरीके से निकालते हैं, 5 × 5, 5 × 2 = 10 हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। 1/2 को हम रेशियो में इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, तो इस तरीके से आप अनुपात निकालते हैं। और ये जो 5 है आपका, ये प्रारंभिक बिंदु है। 5 में ये क्या है? प्रारंभिक बिंदु है। और ये जो आपका 10 है, ये आपका कौन सा अनुपात है? सर्वोच्च मान है। यही तो कारण है, ये क्या है आपका? सर्वोच्च मान है। और यही तो रीज़न है, इसमें ये बात बताई गई है कि शोध के मापन में इस स्तर को विश्वसनीयता और शुद्धता सर्वाधिक पाया जाता है, और मापन का सर्वोच्च स्तर कौन सा माना गया है? वो माना गया है यही अनुपात स्तर। तो याद रखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई है मैंने आप लोगों के लिए, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आपका, अभी मैं चर्चा किस में कर रहा हूँ? साहित्य समीक्षा में बात कर रहा हूँ। ये सारी जो वेरिएबल्स मैंने अभी आपके बात किया है, जो मैंने आपसे अभी मापन की बात किया है, क्योंकि चरों के मापन की बात होती है, चरों की मापन की बात होती है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। कभी कभी आप लोगों को अगर मैं बात करूँ कि व्यवहार आधारित मापनी की भी बात हो जाती है, व्यवहार आधारित मापनी की भी बात हो जाती है, तो व्यवहार आधारित मापनी में आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, 3 टाइप के मापनी देखने को मिली है हमें। लिंकर्ट का एक मापन पाया जाता है, लिंकर्ट स्केल जो होता है वो निर्धारित स्केल मानी जाती है। आप इसको ये कह लीजिए, लिंकर्ट का निर्धारण मापनी किसने दिया है? तो निर्धारण मापनी जो है लिंकर्ट द्वारा दिया गया था 1932 में। कब दिया गया था? सन 1932 में दिया गया, और उसमें ये बताया गया था कि वस्तु का समान महत्व और प्रभाव के बारे में बात की थी इसने। तो मापनी का मूल्य एक ही होना चाहिए, मतलब उसका महत्व की बात करेगा, उसके प्रभाव की बात करेगा, है ना, इस चीज़ की बात करेगा। अगर आप पर्याप्त संचार होगा तो वो निगेटिव से रिप्रेजेंट होगा, यदि ज्ञान अच्छा आपके पास है तो प्लस से रिप्रेजेंट होता है, और यदि आप प्रशासनिक योग्यता की बात करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करते हैं निर्धारण मापनी में। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा सभी लोग। एक स्केल आपका आता है थर्स्टन का, व्यवहार मापनी में। ओके मैडम, ओके। तो देखिए, एक थर्स्टन मापनी होती है, जो थर्स्टन मापनी होती है वो स्केल की लिंकर्ट मापनी जैसी ही होती है। और थर्स्टन मापनी में क्या होता है मैडम, मैं आपको बता दूं, सन 1929 में लिंकर्ट की जैसे ही मापनी दिया गया, और इस मापनी को अलग विवरण और प्रभाव का भार महत्व की बात किया गया। मैं आपसे कहूँ, प्रभाव और भार की बात करिए आप, कितना किस कौन प्रभाव डाल रहा है, और उसमें उसका महत्व की बात आप करिए, ठीक है, तो वो आपकी कौन सी मापनी कहलाएगी? थर्स्टन मापनी कहलाएगी। कौन सी मापनी कहलाएगी? थर्स्टन स्केल कहलाएगा। इन दोनों का एक एक उदाहरण दे दीजिए, जैसे लिंकर्ट मापनी और थर्स्टन का उदाहरण सहित बता दीजिए। देखिए, अगर थर्स्टन मापनी अगर आपको करनी है तो उसमें आपको क्या करना है, शिक्षण सामग्री को आपको रखना है, जो भी आप समाज कार्य में जो भी एक्टिविटी आप संचालित करेंगे, उस एक्टिविटी को संचालित करने से कि आपने कौन सा TLM का यूज किया है। TLM समझ रहे हैं आप? TLM का मतलब था टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या संसाधन या रिसोर्सेज, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो शिक्षण सामग्री का कितना प्रभाव आ रहा है, और वो व्यक्ति कितना सीख रहा है, और उसका महत्व कितना है। हम इसको थर्स्टन में देखते हैं, जब चाहे केस वर्क करें, चाहे ग्रुप वर्क करें, चाहे कम्युनिटी वर्क करें, उसमें हम इसको यूज करते हैं ज़्यादातर थर्स्टन का। लिंकर्ट में हम क्या यूज करते हैं, जब हम केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क में जब करते हैं तो लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसा हमारा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी हमारी है, और प्रेजेंटेशन हमारा कैसा है कॉन्टेक्ट के संबंध में, और जब हम जो ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं वो शिक्षण सामग्री किस तरीके की बना है, आपका ज्ञान कितना है, और जो समुदाय है उसका ज्ञान कितना है, सेवार्थी के पास ज्ञान कितना है, ठीक है, हम उसको देखते हैं लिंकर्ट मापनी में, ठीक है, लिंकर्ट मापनी में, ठीक है। याद रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए, ठीक है, भूलिएगा मत थर्स्टन स्केल के बारे में। क्लियर है? लुईस थर्स्ट जो है, इसका नाम लुईस लियोन थर्स्टन द्वारा धर्म के प्रति दृष्टिकोण को मापने के साधन के रूप में विकसित किया था। ये फिर से रिपीट करूंगा, धर्म के प्रति दृष्टिकोण को मापने के साधन के रूप में ये इसको क्या किया था, विकसित किया था, थर्स्टन मापनी। याद रहेगा? बताइए, समझ में नहीं आया? जी सर, लिख रहे थे।
ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये बेसिकली सर्वेक्षण का एक व्यापक श्रृंखला को मापने के लिए किया जाता है, थर्स्टन मापनी, थर्स्टन मापनी है ना। थर्स्टन मापनी की जो हमें गणना देखने की मिलती है वो माध्य में मिलता है, माध्यिका में मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर माध्य में कैसे, माध्यिका में कैसे, है ना, सोच सकते हैं आप। तो आपको बता देता हूँ, सोच लीजिए एक बार। जब आप सर्वेक्षण करते हैं प्रत्येक विकल्प को, आप इसमें जो है माध्य माध्यिका की गणना करते हैं, और यह गणना जो है अंतिम सर्वेक्षण में उपयोग की जाती है। जब आप किसी चयन पद्धति के आधार पर कोई मानक बनाते हैं, कोई स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो उसके आधार पर हम माध्य माध्यिका का यूज करते हैं। लाइक अगर मैंने कहा कि भाई 10 लोग हैं, आपने टैली चिन्ह के या बारंबारता के माध्यम से आपने इस तरीके से बताया कि 5 लोग हैं, भाई ये 5 लोगों की जो एक्टिविटी है वो पॉजिटिव है या सकारात्मक है, या आप ये कह लीजिए ज्ञान इनके पास अर्जित, मतलब ज्ञान का जो कौशल है वो अच्छा है, तो इसलिए आप इनको पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट कर दिया। तो ये माध्य में इस तरीके से यूज करेंगे। माध्यिका में आप आरोही और अवरोही के क्रम के रूप में भी रिप्रेजेंट करेंगे। पैमाने के 2 चरण के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी आपको बताऊँ सहमत और असहमत जैसे शब्द आते हैं, इसको भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सहमत असहमत क्या, सर्वेक्षण में अगर आपके सामने सवाल आता है कि जैसे अगर मैं कोई बात कहता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई, कितने लोग इस बात से सहमत हैं, तो यदि आप सहमत की बात करते हैं तो यानी आप इसके आधार पर भी हम कौन सा मापन कर रहे हैं, ये थर्स्टन की मापनी कर रहे हैं। तो थर्स्टन की मापनी में भी हम लोग यहाँ पे यूज करने लगते हैं सहमत और असहमत की बात। असहमति के आधार पर, सहमत के आधार पर हम चयन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान रखिए, यहाँ पे पॉइंट वगैरह सारी चीज़ें लिखी जाएंगी, इस चीज़ को आप ध्यान। रैंक भी इसी में दिया जाता है, इसमें रैंक भी दिया जाता है, थर्स्टन मापनी में रैंक भी दिया जाता है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़िए, उसके बाद आपका एक और आता है मापन, गुटमैन का। गुटमैन का जो मापन है गुटमैन के द्वारा दिया गया था, इसका बेसिकली एग्जैक्ट कोई वर्ष नहीं पूछा गया, बताया जाता है बेसिकली 20वीं शताब्दी, आप लोग इसको जो है ध्यान रख सकते हैं। गुटमैन का स्केल जो है 20वीं शताब्दी का नाम, आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, गुटमैन का स्केल, क्लियर रहेगा। चलो, तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, अब उसके बाद जैसे आपने ये सारी चीज़ें जानकारी ले लिया, तो आपके सामने आता है परिकल्पना, जिसको हाइपोथेसिस हम लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अभी तक मैंने सिर्फ समस्या का समाधान पर चर्चा किया है, सूत्रीकरण पर, फिर मैंने आप लोगों से साहित्य समीक्षा के बारे में बात किया है, अब मैं आप लोगों से बात करने चल रहा हूँ परिकल्पना के बारे में। परिकल्पना नाम से ही पता चल जाता है आप लोगों को कि परिकलन करना, परिकल्पना करना, तर्क के लिए किसी बात की कल्पना करना ही क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को कहीं कहीं उपकल्पना का नाम भी दिया जाता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, उपकल्पना का भी नाम दिया जाता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है, जब हम किसी घटना या तथ्यों का अवलोकन करते हैं तो मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, और कुछ और क्यों नहीं। जिस घटना और वस्तु का वह अवलोकन करता है और उसके बारे में व्याख्या करता है, स्पष्टीकरण चाहता है, तो जिसमें ज्ञात तथ्य सहायता करते हैं परंतु कुछ अवलोकन का तथ्यों का अभाव निरूपण नहीं किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन पर आप क्या करते हैं, तर्क करते हैं। तो किसी समस्या का संभावित समाधान ही क्या कहलाता है, आपका प्रकल्पना कहलाता है। ये बात याद रहेगा आप लोगों को, किसी समस्या का संभावित समाधान ही आपका प्रकल्पना कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ये परिभाषा बन जाएगी प्रकल्पना की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, परिकल्पना में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शोध की प्रक्रिया में किसी समस्या के संभावित समाधान के रूप में 2 या 2 से अधिक चर संबंधों को बतलाते हुए शोधकर्ता जो कथन करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकल्पना कहते हैं। तो आप ये भी परिभाषा यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, वही परिभाषा आपकी यहाँ पर मेंशन हो सकती है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हाइपोथेसिस की, और भी परिकल्पना के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई सुझाव या अलग अलग प्रतीत होने वाली बहुत सी घटनाओं के आपसी संबंध को व्याख्या करने वाला तर्कपूर्ण सुझाव परिकल्पना कहलाता है। ये भी आपकी परिकल्पना की परिभाषा बन जाती है। सर्वप्रथम समस्या आपके सामने ये आता है कि बालक बालिका की उपलब्धि का अध्ययन अगर आपको करना है, बालक बालिका
कि उपलब्धि का अगर आप अध्ययन करना है तो प्रकल्पना बनाने के लिए साहित्य की समीक्षा में समस्या संबंधित निर्णय लेने के लिए साहित्य की समीक्षा करना शोधकर्ता का प्रमुख कार्य बनेगा। आप ऐसे में किताबें पढ़ सकते हैं, आप ऐसे में पत्र पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, आप इससे में अखबार पढ़ सकते हैं, आप ऐसे में मैगजीन का यूज कर सकते हैं, इत्यादि बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे। आप उनका यूज करके, प्रयोग करके आप प्रकल्पना के आगे की समस्या को संचालित कर सकते हैं या उसकी समस्याओं को सुधार कर सकते हैं। तो इसमें जो सभी आंकड़े होते हैं वो इस तरीके से मिल सकते हैं आपको। मान लीजिए आपने 2020 के जो आंकड़े आपको मिले वो 90% मिले, किसको लेकर? बॉयज़ को लेकर मिले। गर्ल्स को लेकर अगर हम बात करते हैं आंकड़े आपको 92% मिले, ये 2020 की बात कर रहा हूँ। 2021 के अगर हम बात करते हैं डाटा तो 85% आपको बॉयज़ के परिप्रेक्ष्य में मिला आंकड़े, ठीक है, और 95% आपको गर्ल्स के परिप्रेक्ष्य में मिला है। तो पुराने आंकड़ों के आधार पर भी हमें एक संकेत मिल जाता है कभी कभी, है ना। तो संकेत देख रहे हैं आप, कभी 92 हो रहा है तो 95 आ रहा है ना, कुछ अप्रोक्सीमेटली आप इस तरीके से आप आंकड़े को डिटेल बना सकते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर प्रकल्पना। यही रीजन है कि हम साहित्य समीक्षा पढ़ते भी हैं। प्रकल्पना मतलब परी होता है एक तरफ, कल्पना होता है, परी का अर्थ होता है चारों ओर, कल्पना का अर्थ होता है एक सामान्य अनुमान लगाना। तो परिकल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले बनाई गई योजना होती है। प्रकल्पना जो होती है वो उसके द्वारा किसी भी विषय या समस्या के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है, है ना, ठीक है, और हम उसके बाद योजना बनाते हैं इसमें। और सामाजिक अनुसंधान में परिकल्पना का विशेष महत्व भी होता है। देखिए यहाँ पर एक विद्वान है प्रोफेसर MP श्रीवास्तव महोदय, प्रकल्पना सामाजिक अनुसंधान में सत्य की खोज के लिए बनाई गई काल्पनिक और अनुभव की एक रूपरेखा है जो कि सत्यता की जांच और खोज करती है या अनुसंधान के आधार का स्तर मानी जाती है। उपकल्पना, उपकल्पना, प्रकल्पना, परिकल्पना तीनों बात एक ही कहलाती है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ कि शोध की प्रक्रिया में किसी समस्या को संभावित समाधान के रूप में दो या दो से अधिक चरों के संबंध को बतलाते हुए शोधकर्ता जो कथन करता है उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रकल्पना बोल देते हैं। वो भी आपकी प्रकल्पना की परिभाषा बन जाती है, याद रखिएगा। भारत में जब समाज कार्य शिक्षा की शुरुआत हुई, आपको बता दूं 1936 के दौरान में, उसके जस्ट दो साल बाद 1938 में यहाँ पे सैयद जफर हसन ने सन 1961 में, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप सभी लोग, 1961 में 1961 में समाज कार्य में काफ़ी कार्य किया और उस समय इन्होंने प्रकल्पना का प्रमाण के आधार पर परीक्षण भी किया था। तो नाम याद रखिएगा किसका, सन 1938 के दौरान में उस समय जब समाज कार्य शिक्षा आया था तो उसी के तत्पश्चात या उसके बाद सैयद जफर हसन ने सन 1961 में समाज कार्य में काफ़ी कार्य किया प्रकल्पना पर और बताया कि प्रकल्पना का प्रमाण के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द प्रकल्पना, किस पर परीक्षण किया जा सकता है, ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप नोट करना है तो ये लाइन नोट करिए आप सभी लोग, प्रकल्पना का प्रमाण के आधार पर परीक्षण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी आप लोगों को आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रकल्पना का निर्धारण समस्या के नियम कार्य तर्क की सहायता से किया जाता है, अपने मर्जी से नहीं किया जाता है ना। उससे संबंधित साहित्य समीक्षा की हम लोग जो है चर्चा पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखेंगे लुंडबर्ग के अकॉर्डिंग भी परिभाषा भी बताई गई है कि प्रकल्पना एक सामाजिक एवं काम चलाओ समाजीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर उपकल्पना कोई भी अनुमान, विचार, सहज ज्ञान और कुछ और भी हो सकता है जो कि अनुसंधान का आधार बन सकता है। ये बेसिकली लुडबर्ग की परिभाषा बन जाती है, यहाँ पर आप इस तरीके से उनको भी ध्यान रख सकते हैं। गुड्डे हार्ट, हालांकि इन्होंने नैदर्स में समग्र जनसंख्या थी उन जनसंख्याओं का एक लघुत्तर भाग निकाला था, ठीक है, तो उसको बोला था कि निदर्शन ही आपका क्या कहलाता, सैंपलिंग कहलाता है। परंतु अगर हम परिकल्पना में बात करें तो इनका कहना यह है कि उपकल्पना का बात वर्णन करते हैं कि कल्पना भविष्य की ओर देखती है या एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसका परीक्षा की जा सकती है। यस, अगर यही बात अगर हम करें तो यहाँ पे सही भी सीख होती है, ठीक है, और गलत भी, मतलब ये जो है आपका अगर हम बात करें तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है प्रकल्पना, और यानी आपको अभी बताऊंगा मैं, हाइपोथेसिस तो टाइप के एरर्स पाए जाते हैं, तो ये आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ऐसी बात कहने वाला कोई विद्वान अगर मिलता है तो आप याद रखिएगा गुड्डे एंड हार्ट का नाम, ठीक है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए और आगे देखिए, स्केटस की परिभाषा मिल जाएगी आपको, फिर प्रकल्पना का यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट भी मिल जाते हैं,
अस्पष्टता के बाद विशेषता की बात करें, प्रकल्पना में अस्पष्टता पाई जाती है ना, प्रकल्पना में क्या पाई जाती है, अस्पष्टता पाई जाती है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा उपकल्पना में। और उपकल्पना में अगर हम बात करें तो यहाँ पे विशिष्टता पाई जाती है, उपकल्पना में अगर हम बात करें तो प्रयोग सिद्धता पाया जाता है, उपकल्पना में अगर हम लोग बात करते हैं उपलब्धि प्रविधियों का संबंध भी पाया जाता है, सिद्धांत समूह से संबंध पाया जाता है। तो ये जो आपके हैं विशेषताओं के रूप में भी हमें उपकल्पना के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाते हैं। इन चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। उपकल्पना का जो होता है स्टेटमेंट अगर हम बात करें तो वो जो सूत्रीकरण किया जाता है परिकल्पना, कभी कभी परिकल्पना का भी चरण पूछ लेता, परिकल्पना का भी चरण होते हैं, परिकल्पना के भी कार्य करने के चरण होते हैं, या सूत्री या उपकल्पना का निम्नलिखित संबंधों के आधार पर अगर हम बात करें विशेषताओं को भी क्रम में रखा जाता है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शोध अध्ययन में अस्पष्टता और विशिष्टता लाता है, ये पहला स्टेप बनेगा परिकल्पना का। क्या करेगा, अध्ययन करेगा और अस्पष्टता की बात करेगा, ये पहला स्टेप बनेगा। दूसरी की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे नैदर्श अभिकल्प यानी सैंपल डिज़ाइन तैयार करता है। क्या करता है यहाँ पर, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सैंपल डिज़ाइन तैयार करता है, ठीक है। और जो तीसरी बात होगी आप लोगों के लिए, वो वस्तुनिष्ठता पर बात करता है, ना कि व्यक्तिनिष्ठता पर बात करेगा। और जो नंबर चार पर होगा चरण इसका, वो सिद्धांत विकसित कर देगा। क्या विकसित कर देगा, सिद्धांत विकसित कर देगा। तो ये चार स्टेप हैं, चार स्टेप को आप लोग ध्यान रखिएगा परिकल्पना में। परिकल्पना की अगर हम बात करें तो परिकल्पना के टाइप होते हैं, वो बेसिकली तीन ही प्रकार का होता है। अगर हम बात करेंगे यूजीसी के पेपर फर्स्ट के बारे में, तो पेपर फर्स्ट आपको बताता है कि तीन टाइप को वहाँ पर भी, लेकिन वो कहता है वर्णात्मक एक अध्ययन आप करेंगे, या वर्णात्मक एक उपकल्पना की बात करेंगे, और एक आप बात करेंगे संबंध परक की बात करेंगे। संबंध परक जो बोलता है वो सापेक्ष बात करता है, और एक अगर हम बात करते हैं तो व्याख्यात्मक तरीके से बात करता है। हालांकि एग्ज़ाम में ये तीन टाइप के एग्ज़ाम में प्रश्न आप लोगों को नहीं मिलते हैं। डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली स्थिति का वर्णन किया जाता है इसमें, है ना, कि मान लीजिए कि भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का जो वर्तमान स्तर है वो 10% है, और इसके बारे में पूरा स्थिति का वर्णन कर रहे हो आप, तो ये वर्णात्मक कहलाता है। और जो आपका सापेक्ष होता है, जो संबंध परक होता है, जिसमें रिलेशन हाइपोथेसिस बोला जाता है, या दो चरों के बीच में ना संबंध को दर्शाता है। शहर के क्षेत्र में रहने वाले माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं, तो ऐसे सापेक्ष में हम लोग जो है संबंध परक उपकल्पना का प्रयोग करने लगते हैं, ठीक है। या आप ग्रामीण को ले लो या शहर को ले लो, जो भी यूज़ कर रहे हो पर्टिकुलर, लेकिन एक ही का यूज़ करोगे, ठीक है। तीसरा आता है व्याख्या वाली, जो व्याख्या होता है वो बेसिकली एक्सप्लेनेटरी कहलाती है, जिस जहाँ पर आप कारण और प्रभाव के संबंधों के व्याख्या कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे जब वेतन में वृद्धि होती है तो खाद्य वस्तुओं पर व्यय में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके की कल्पना करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, व्याख्यात्मक परिकल्पना कहलाता है। तो ये तीन टाइप के परिकल्पना बेसिकली UGC के फर्स्ट पेपर में देखने को मिलता है। सेकंड पेपर सोशल वर्क में आपको कार्यकारी परिकल्पना और शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना, हालांकि ये फर्स्ट पेपर में भी मिलता है, ऐसा नहीं कि पेपर फर्स्ट में नहीं मिलेगा, पेपर फर्स्ट में भी ये मिलता है आप लोगों को, है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जानकारी रखेंगे कि होता क्या है। देखिए, कार्यकारी परिकल्पना और शून्य परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना होती है जिस पर आप परीक्षण कर सकते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न बन जाता है कि आप बताइए कि शोध की प्रक्रिया में किस प्रकार का परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं आप, किस प्रकार की परिकल्पना की आप परीक्षण कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एक वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, एक नल हाइपोथेसिस होती है। दो टाइप की जो हाइपोथेसिस होती है इन्हीं का परीक्षण होता है, अल्टरनेट एक हाइपोथेसिस होती है उसका परीक्षण नहीं होता, याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका परीक्षण नहीं होगी, परीक्षण नॉट, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना। आगे बढ़िए, आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आता है, और कार्यकारी परिकल्पना असत्य हो सकती है। देखिए, अगर आपकी अगर हम बात करें वर्किंग हाइपोथेसिस अगर असत्य है, यदि आपका ये गलत हो गई है, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस लग, यदि नल हाइपोथेसिस गलत हो जाए तो, यदि ये भी गलत हो जाए तो अल्टरनेट हो जाएगी, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस यहाँ पर फिर लग जाएगी, और ये सदैव सदैव सत्य होती है, ठीक है।
इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग। यदि कार्यकारी प्रकल्पना सत्य है तो सत्य हो जाएगी, तब शून्य प्रकल्पना की जरूरत नहीं पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब जो वर्किंग हाइपोथेसिस होती है, अगर ये सत्य हो गई तो इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है, फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही नल हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ेगी, काम यहीं पर हो गया हमारा। यदि ये गलत हो गया तो फिर नल हाइपोथेसिस, अगर ये भी गलत हो गया तो आपके यहाँ पर ही चल जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। कार्यकारी प्रकल्पना असत्य हो जाए तो शून्य प्रकल्पना असत्य हो जाए, तब जाके निर्माण हो जाता है वैकल्पिक प्रकल्पना का, है ना। ये बात तो सही, अभी आपको पता है मैंने, ठीक है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है कि अगर ये सत्य है तो फिर तो बात यहीं समाप्त है, अगर ये असत्य हो गई है तो इसको सत्य होना पड़ेगा, और अगर ये भी असत्य हो गई है तो ये तो भाई आपका सत्य तो होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर भी हाइपोथेसिस को दो भागों में डिवाइड किया गया था, नल हाइपोथेसिस को। अच्छा, नल हाइपोथेसिस में अगर हम आप लोगों से बात करें, ठीक है, नल हाइपोथेसिस जब कभी कार्यकारी प्रकल्पना रिजेक्ट हो जाती है तब हम निर्माण करते हैं शून्य प्रकल्पना का। अब शून्य प्रकल्पना भी अपनी असत्य हो जाए तो वहाँ पे वैकल्पिक हाइपोथेसिस का प्रयोग में लाने लगते हैं, यूज़ करने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि वैकल्पिक जो प्रकल्पना होगी वो हमेशा सत्य होगी। अब वैकल्पिक प्रकल्पना सत्य होने का एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं आपसे कहूँ कि सूर्य पूरब से निकलता है तो ये बताइए ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है ना। तो इसमें सत्य असत्य की बात तो होगी नहीं कि सत्य भी हो असत्य भी हो। तो ये जब सार्वभौमिकता की बात है तो ये जाहिर सी बात है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लगता है, यानी जो चीज़ें केवल और केवल सत्य है उसका परीक्षण नहीं होता है, उसका परीक्षण नहीं होता है, याद रखेंगे। अब शोध की प्रक्रिया में प्रकल्पना का परीक्षण की आवश्यकता तो होती है ना, परीक्षण की आवश्यकता तो होती है, लेकिन यह हमें वर्किंग और नल हाइपोथेसिस में होगा। अब सकारात्मक एक प्रकल्पना होगी, एक नकारात्मक प्रकल्पना होगी। जो सकारात्मक प्रकल्पना बनेगी यह वाक्य के आधार पर किया जाता है, सकारात्मकता। अब समझते चलिए एक एक लाइन, अगर एग्जाम में आप लोगों से ये सारे प्रश्न आएगा तो मैं क्रम में चल रहा हूँ। अगर सकारात्मकता वाला प्रकल्पना होगी तो वो वाक्य के आधार पर होगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बालक और बालिका की उपलब्धि में सार्थक अंतर होता है, तो बताइए ये बात सही है गलत। सही है सर। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, सकारात्मक प्रकल्पना कहलाएगी। और अगर मैंने आपसे बोला कि वाक्य में निष्कर्ष तक, अगर मैंने आपसे कहा कि वाक्य के अनुसार निष्कर्ष तक पहुंचना है, कहां तक पहुंचना है बोलिए, निष्कर्ष तक, तो आप मुझे ये बताइए बालक और बालिका की उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं होता, सार्थक अंतर नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी आता है, और अब आज के समय में भाई सब लोग ऐसे बोल भी सकते हैं। तो यहाँ पर ये नकारात्मक प्रकल्पना होगी, यहाँ पर ये नकारात्मक प्रकल्पना होगी। जब हम सांख्यिकी प्रकल्पना की बात करते हैं तो हमारे सामने रिक्त परिकल्पना की बात हमें आती है, किसकी बात होती है, सांख्यिकी की। और जब सांख्यिकी प्रकल्पना की हम बात करते हैं तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग, H1 को अल्टरनेट हाइपोथेसिस कह सकते हो, H0 को नल हाइपोथेसिस बोल सकते हो, और H को क्या बोलोगे, वर्किंग हाइपोथेसिस। तो क्या तीनों बातें आपको समझ में आ गई, नंबर दूसरी ये है, नंबर पहला ये है, नंबर तीसरा ये है। अब यहीं पर ये बात कही गई कि वर्किंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इन्हीं तीनों पर आश्रित होता है प्रकल्पना। अब परिवर्तन के लिए बीच के संबंधों का परीक्षण करना है आपको, किसके लिए, परिवर्तन के लिए। तो ऐसी कंडीशन पर आपको काई स्क्वायर सांख्यिकी का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जैसे काई स्क्वायर वगैरह क्यों मिलता है आपको पढ़ने के लिए, एनएमआर टेस्ट वगैरह क्यों मिलता है आपको करने के लिए, जब आप परिवर्तन के बीच
संबंधों का परीक्षण करते हैं तो वहाँ पे आपको काई स्क्वायर स्टैटिक्स का प्रयोग होता है ना। मान लीजिए स्नातक जो ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट वो और जो पीजी वाले स्टूडेंट वो, अब ये दोनों विद्यार्थी जो पढ़ने की प्रवृत्ति है, इन दोनों को पढ़ने की प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है, कोई सार्थक अंतर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम जब देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है नकारात्मक प्रकल्पना, नेगेटिव हाइपोथेसिस। और जब मैं आपसे कहता हूँ कि बालक और बालिकाओं की उपलब्धि का अध्ययन सार्थक अंतर है तो वहाँ पे आपको वर्किंग हाइपोथेसिस मिलता है, सार्थक अंतर है। और बालक की उपलब्धता, अगर बालिका की उपलब्धता बालकों से अच्छी है तो वह हाइपोथेसिस मिलता है। हाइपोथेसिस मतलब नल हाइपोथेसिस, कहने का मतलब मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ ऊपर तब समझ में आपको आएगा। मैंने क्या कहा, दो बातें, मेरी बात को समझिएगा। मैंने पहली पॉइंट ये लिखा कि बालक, समझिएगा, बालक और बालिका की उपलब्धि का अंतर, उपलब्धि का अंतर। तो आपने कहा कि भाई एक बालक है वेरिएबल्स, इसको आपने Q से रिप्रेजेंट कर दिया और फिर आपने यहाँ पे एक Q2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो उपलब्धि सार्थक अंतर है तो ये बराबर का हो गया। यहाँ पर आपने ये जो देखा है ये बराबर का हो गया। बेसिकली जब नल हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं, जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य कोई सार्थक अंतर ही ना पाया जाए, बालक बालिकाओं की उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पे हम इसको लगाते हैं बराबर का चिन्ह। कोई अंतर नहीं है तो फिर बराबर है। लेकिन अगर अंतर है तो आप किसी को यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो Q1 से या Q2 से। अंतर अगर नहीं होगा तो बराबर से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यदि आप लोगों को ये मिल जाए कि बालिका की उपलब्धि बालकों से अच्छा है, मैं यहां पे लिखता हूं बालिकाओं या बालिका, बालिका की उपलब्धि, उपलब्धि बालकों से अच्छी है। अब आपने एक को अच्छा बताया है तो आप क्या कहोगे, ये हाइपोथेसिस बनाओगे। तो हाइपोथेसिस में आप क्या करोगे कि क्यू जो बाल जो क्यू है वो बालिका है Q2, तो Q2 को आपने यहाँ पे रखा बालिका के रूप में और फिर आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि अच्छी है बालकों से, किससे अच्छी है बालकों से, तो Q1 लग दिया आपने। तो ये इस तरीके से आपने हाइपोथेसिस बनाते हैं, इस तरीके से आप जो है हाइपोथेसिस बनाते हैं। जब सार्थक अंतर नहीं होगा तो नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। अब अंतर किसी का नहीं देखने को मिलता है तो वही आपके सामने जो है रिक्त। बेसिकली इसको अक्सर जो है नल हाइपोथेसिस को H0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम किसी विषय पर शोध या अनुसंधान करते हैं तो हमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है ताकि हम उस शोध और अनुसंधान के सभी तथ्यों की जाँच परख कर उन्हें तथ्यों को सत्य प्रमाणित कर सकें। और सत्य प्रमाणित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत और प्रमाण का होना आवश्यक है और जिसके आधार पर हम किसी शोध को तथ्यात्मक रूप से सत्य प्रमाणित कर पाएं। किंतु कम सबूत और प्रमाण के आधार पर हम किसी भी विषय पर अपने विचार व्यक्त करने में काल्पनिक तथ्यों को शामिल करते हुए तो यह उस शोध से संबंधित परिकल्पना आपकी कहलाएगी। शून्य हाइपोथेसिस वैकल्पिक हाइपोथेसिस की प्रतिलोम है जिसमें हम कल्पना करते हैं कि दो या दो से अधिक चरों के बीच आपस में कोई भी संबंध नहीं है। इसी को हम नल हाइपोथेसिस या इसी को हम H0 से प्रदर्शित कर देते हैं, है ना, जब बालक बालिकाओं की उपलब्धि में सार्थक अंतर नहीं होता है, याद रखिएगा। तो आप यहाँ पे आप ऐसे कर भी सकते हो Q2 नॉट इक्वल Q1, है ना, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, अब ये हाइपोथेसिस बेसिकली टू टाइप के एरर्स पाए जाते हैं, एक टाइप 1 एरर्स होता है, एक टाइप 2 एरर्स होता है। टाइप 1 एरर्स में देखिए, जब शून्य प्रकल्पना सत्य हो और हम उसे असत्य स्वीकार कर लें। अब मान लीजिए ये सत्य है और हमने उसको क्या स्वीकार कर लिया, असत्य में स्वीकार कर लिया, है ना, तो वह टाइप 1 एरर बन जाता है। और टाइप 2 एरर्स बन जाता है जब किसी खराब प्रोडक्ट को
आपने रिसर्च में अच्छी क्वालिटी बना दिया, आप किसी खराब प्रोडक्ट को, खराब चीज़ है, आपने अच्छा बता दिया, वो टाइप टू एरर्स बन जाएगा। तो दो टाइप के एरर्स आपको देखने को मिलता है नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत, ठीक है, टाइप वन टाइप टू, याद रखिएगा। अब देखिए, यह अगर सत्य है परंतु असत्य है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो टाइप वन हो जाएगा। जब नल हाइपोथेसिस असत्य है, उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया सत्य के रूप में, तो ये टाइप टू एरर्स माना जाएगा आपका, टाइप टू एरर्स पाया जाएगा, टाइप वन एरर्स पाया जाएगा। अब देखिए, टाइप वन एरर, किसी शोध में शून्य प्रकल्पना सही तो हो, अर्थात शोध में शामिल दो या दो से अधिक चरों के बीच में कोई संबंध नहीं हो, किंतु यदि हम किसी कारणवश शून्य प्रकल्पना को रद्द कर देते हैं, या टाइप वन एरर कहलाएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ी गलती होती है कि इसलिए इसे सबसे पहले रखा जाता है, जहाँ पे कारणवश, किसी कारणवश आपने नल हाइपोथेसिस को रद्द कर दिया है भाई, अब रीजंस कुछ भी हो सकता है। टाइप टू एरर्स, किसी शोध में शून्य प्रकल्पना गलत हो, अर्थात शोध में शामिल दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध हो, किंतु या हम शोध में नहीं खोज पाए, जिसके कारण हमने यह मान लिया कि शून्य परिकल्पना यह सही है, जो कि हमने पूरी तरीके से उसको खोज नहीं कर पाया था, और यह टाइप टू एरर्स बन जाएगा, क्योंकि वो आपका असत्य है जो कि आपने सही मान लिया उसको। और ये फिशर ने आधुनिक आंकड़ों के पिता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने सन 1925 में पहली बार विभिन्न प्रकार की स्थितियों में पी वैल्यू की गणना की थी एरर्स के माध्यम से, टाइप एरर के माध्यम से। तो हाइपोथेसिस के अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, उसी के माध्यम में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस में, परिकल्पना में। तो जो नल हाइपोथेसिस है, प्रोफेसर आर ए फिशर के द्वारा वैज्ञानिक जांच पड़ताल के द्वारा परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया गया था, और ये फिशर महोदय ने, इनकी एक अहम भूमिका हुई थी, फिशर महोदय की, प्रोफेसर आर ए फिशर। तो इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने जो है प्रतिकृति की बात, किस प्रतिकृति के सिद्धांत की बात किया था, यादृच्छिकीकरण की बात किया था, अनुसंधान में स्थानीय नियंत्रण की बात किया था, ये सारी चीज़ें इन्होंने बात किया था, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अच्छा और भी नाम आते हैं 1800 में भी, अगर आप गिरे तो, जो है संभाव्यता का सिद्धांत को विकसित करने वाला मापन त्रुटि में था 1800 में, खगोल विद थे जिनमें लंबे समय तक की बात करें तो इस तथ्य के साथ कुश्ती की थी, और यह ग्रह और तारे की स्थिति में कई मापों के एक ही उत्तर नहीं मिला था, तो ऐसे में इनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है, यह बात आप याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं बेल्जाइम पियर्स, सन 1952 में निर्धारित किया था त्रुटि विवरण का उपयोग करते हुए एक कदम आगे बढ़ा कि क्या कोई विशेष अवलोकन समान माप उतार चढ़ाव की सीमा से बाहर या इसलिए औसत में शामिल नहीं होनी चाहिए या नहीं होने के लिए इसका गलत है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर हम बात करते हैं बेल्जाइम पियर्स के बारे में, तो इन्होंने एरर्स विवरण का उपयोग करते हुए बताया था कि भाई जो अवलोकन है सामान्य माप उतार चढ़ाव की सीमा से बाहर है, इसके बारे में बात बताया था। कार्ल पियर्सन सन 1900 में आया, काई स्क्वायर टेस्ट प्रकाशित किया और उसके दौरान में इसने निर्धारित किया, ठीक है, तो ये बताया था इन्होंने। फिर आप देखिए यहाँ पर, किसी भी प्रकल्पना की जांच करने के लिए हमें इस सार्थक स्तर पर रखना पड़ता है, तो सार्थकता स्तर हमें जो है हमेशा विश्वसनीय होना चाहिए। सार्थकता स्तर जो होता है, विश्वसनीय के दो मान होते हैं। आपके सामने एक टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था, ये इस टाइप का प्रश्न बना है, किसी विषय में शोध कार्य करते समय प्रदत्त विश्लेषण का बाद जो है शोधकर्ता का एक निष्कर्ष मान निकाला गया, जहाँ पे बताया गया कि 2.01 प्रदर्शित होता है, तो इसका तात्पर्य क्या बनेगा। तो ये चार ऑप्शन थे आपके सामने, अभी मैं प्रश्न को बताऊँगा, इस पहले प्रश्न के बारे में पहले समझ लीजिए, फिर अभी ऑप्शन को बताऊँगा, ऑप्शन अभी आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है, आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं एक बार करवा चुका हूँ, अगर बच्चे जो नहीं समझ पाए हैं वो बहुत ध्यान से देखें इसको, ठीक है, समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक स्तर वन था, एक स्तर टू था, दो टाइप का था विश्वसनीयता। विश्वसनीयता कितनी टाइप की थी? दो टाइप की थी। स्तर एक में 0.001 था, ये आपको याद होना चाहिए, इसको आप 0.001 को आप इस तरीके से ले सकते हो
कि लास्ट में वन है पहले वन रखो, डबल जीरो है तो डबल जीरो कर लो, हो जाएगा आपका 100। 100 में से आपको ये मान तो लेना ही होगा कि एक बार आपने सत्य किया है और 99 बार आपने असत्य किया है। नल हाइपोथेसिस के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आप सभी लोगों से, और वो भी विश्वसनीयता के बारे में। अभी इसको ध्यान रखिएगा, अभी बताऊंगा। लेबल नंबर 2 की बात करता हूँ, 0.05 है तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 आप यहाँ पे रख दो 500 लिख दो, ऐसा नहीं होगा। अगेन आपको वही क्या करना है, 100 आपको बनाने हैं, 100 करके ऑब्ली 5 कर दो यहाँ पर। वहाँ आपने ऑब्ली 1 किया था क्योंकि 1 था, और 1 की वजह से आपने एक बार सत्य लिखा था और 99 बार असत्य किया था। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी करेंगे, 5 बार सत्य करेंगे और 95 बार आप क्या करेंगे, असत्य करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 0.01 जो विश्वसनीयता का स्तर होता है वो ज़्यादा होती है। कारण क्या है, क्योंकि 99 बार असत्य हुआ है इसलिए विश्वसनीयता ज़्यादा इसमें है। तो ये बेसिकली एक जड वैल्यू है, हम बताएंगे अभी आप लोगों से। एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है जिसको जड के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ग्रेटर देन की बात होता है, ग्रेटर लेस की बात होती है, और ये आपका टैबलेटेड वैल्यू होती है जो किताबों में दी होती है, किताबों में। तो जो आपने जेड की वैल्यू निकाला है कैलकुलेटर वैल्यू, वो 2.58 से 0.01 तक अगर इसके बीच में कोई नंबर आता है, कोई नंबर निष्कर्ष मान निकाला जाता है, तो वो रिजेक्ट होगा। वो रिजेक्ट होगा किस स्तर पर, 0.01 पे, यानी पहला वाला स्तर जो था, स्तर नंबर 1। स्तर नंबर 1 यही था ना, देखिए स्तर नंबर यही एक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जरा प्रश्न, मैंने आपसे कहा कि किसी विषय में शोध कार्य करते समय जो है प्रदत्त विश्लेषण के बाद शोधकर्ता एक निष्कर्ष मान निकाला, और वो मान निकला 2.01। तो आप बताइए 2.01 क्या इसके अंतर्गत आएगा, 2.01 इसके अंतर्गत आएगा, कैसे आएगा बताइए जरा। ये तो 2.58 से लिया गया, तो कैसे आएगा यहाँ पे, तो सर उससे छोटा है ना 2.01, बीच में रहा ना। ये ग्रेटर देन है कि ग्रेटर लेस है, ये ग्रेटर देन है ना। जब देन है तो ऊपर होगा कि नीचे होगा, ऊपर होगा, तो हाँ इसलिए आप इसको छोड़ो, तो ये तो आएगा नहीं। मैं अगर आपसे कहूँ 2.59 तो क्या आप बता सकते हो इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हाँ तो ये आएगा, ये नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं 1.90 की, सॉरी 1.96 का, इसके बीच में अगर हम बात करते हैं 0.05 का, ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। अब ये स्तर होगा 0.05 का, ये स्तर नंबर 2 चल रहा है आपका, ये लेबल आ गया। यानी 5 बार सत्य है और 95 बार असत्य है, इसलिए लेबल नंबर 2 है 0.05 पर। कारण यहाँ पे 1.96 का ग्रेटर देन है। तो आप यहाँ पे प्रश्न में देख लीजिए, अब स्तर आपने देख लिया आपके सामने कि 0.21 है। अब वहाँ पर देखिए, एक तो 0.01 तो नहीं होगा, ये काट दीजिए 0.01 कार्यकारी, ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, कार्यकारी तो नहीं होता है, इसलिए इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। 0.05 पर होगा अस्वीकृति, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बताओ पर एक बार और बताइए। देखो भाई, मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे ये बताया कि अगर आपको 2.58 के बाद से कोई नंबर आएगा तो वो 0.01 पर रिजेक्ट होगा, 0.01 पर रिजेक्ट होगा। और अगर 1.96 से 2.58 के बीच में कोई नंबर आता है, जैसे 2.01 हो गया, 1.98 हो गया, 1.99 हो गया, 2.17 हो गया, 2.40 हो गया, ये सभी कहलाएगी क्या, 0.005 पर रिजेक्ट हो जाएगी, 0.005 पर रिजेक्ट हो जाएगी, और ये आपकी शून्य प्रकल्पना होगी, ये आपकी शून्य प्रकल्पना। तो शून्य प्रकल्पना की विश्वसनीयता पर बात कर रहे हैं हम लोग। ये दो टाइप की हैं, आपका यहाँ पर ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया।
कितने लोगों को समझ में नहीं आया बता दीजिए, एक बार नाम बता दो भाई, फटाफट पढ़ा देता हूँ, बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा दिक्कत होगी आप लोगों को फिर बाद में। हो कि चले गए वो सारे? आ गया सर। जिसको समझ में नहीं आया भाई पूछ लो। रतिका मैडम, नेहा, अनीता जी, पारुल मैडम, बताइए, गणेश सर, गणेश सर आ गए। चलो चलो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो है समझ लीजिएगा। आगे बढ़िए, अगर हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो और भी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। जेड को हम लोग क्या बोलेंगे? निष्कर्ष मान बोलते हैं, है ना। ये ग्रेटर देन होता है, ये आपका टैबलेटेड वैल्यू होती है जो किताबों में दी गई होती है। ये तो स्तर है शून्य परिकल्पना का, दो लेवल होते हैं, 0.01 होता है, 0.05 होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। टैबलेटेड वैल्यू ऐसा मान जो किताबों में दिया होता है। कैलकुलेटर वैल्यू जब आप स्वयं शोध की प्रक्रिया में जोड़ घटाव का प्रारंभ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो अस्थाई होता है, मान ऊपर नीचे हो सकता है ना, कभी कभी निष्कर्ष आपका 2 आ सकता है 0.00, कभी कभी 2.99 आ सकता है, अब प्रश्न में आया था भाई 2.01, है ना, तो ऐसे भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। बाकी तो ये पढ़ा चुका हूँ, ये बता दिया आपको सार्थक मान। आप बताइए 2.67 आया है, नल हाइपोथेसिस बताइए रिजेक्ट होगी या एक्सेप्ट होगी? 2. रिजेक्ट। किस नंबर पर? 0.05 पर कि 0.01 पर? 0.01 पर रिजेक्ट होगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 1.95 आया है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी? रिजेक्ट होगी, किस एक्सेप्ट होगी, ओके, क्योंकि कम आया है, वेरी गुड, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ये होगी, ठीक है, 1.9 वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.05 पर एक्सेप्ट होगी, ये वाली होगी, क्योंकि ये देखो 96 से कम आया है, है ना, 1.95 आया है, इसलिए एक्सेप्ट होगी, ठीक है, याद रखिए। किताब के मान को क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है। जेड का मान को क्या बोलते हैं? जो हमें निकाला कैलकुलेट करके, तो बताओ क्या होगा, ऑप्शन तो बोलो। कैलकुलेटर, ओके, संभाव्य। अब हम पढ़ेंगे एनपीसी के बारे में, ये कल पढ़ेंगे ना एनपीसी, ठीक है, एनपीसी कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखिए।